आरटीओच्या शुल्कात झालेल्या वाढीमुळे वाहनधारक व वाहन चालक अडचणीत आले असून यावर तोडगा काढण्यासाठी विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मराठवाडा टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष मनमोहन सिंग ओबेरॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत लालबावटा रिक्षाचालक कामगार युनियनचे अध्यक्ष बुद्धिनाथ बराड, रिक्षाचालक संयुक्त संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष निसार खान, औरंगाबाद गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष फैयाज खान, एस के खलील, नाहिद फारुकी, अब्दुल रशीद उर्फ अज्जू भाई, शेख फारूक, शेख अजमत व इतर पदाधिकारी मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. या प्रसंगी सर्व समस्यांवर चर्चा करण्यात आली व मान्यवरांनी उपस्थितांचा मार्गदर्शन केलं. याविषयी शासन दरबारी वाहनधारक व वाहन चालकांची व्यथा मांडून शुल्कवाढीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी पुढील कार्यक्रम तयार करण्यात आला. टैक्स की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी एक डबल वबल नहीं है, कई चार टाइम है, कई दो टाइम है, कई पांच टाइम है, कई दस टाइम है, ऐसी दस दस टाइम 15-15 गुना टाइम, मतलब 15 गुना 1500%, 100% मीन 1500% ये टैक्स में बढ़ोतरी हुई है. और इसके बारे में अभी हम ये जो आज मीटिंग की है इसके विरोध के वास्ते मीटिंग लिए है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 महीना पहले एक जीआर निकाल करके रिक्शा चालक या मोटर ड्राइविंग या ट्रक वगैरह का टैक्स बढ़ाए थे. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 29/12/2016 से थोड़ी पागलपना दिखाई है. पागलपना ये है, जहाँ पर 10 रुपया टैक्स होना चाहिए वहाँ पर 1000 रुपया बताए हैं और ये अन्याय है. आप बोल रहे थे हम अच्छा दिन लाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहे थे हम अच्छा दिन लाएंगे, अच्छा दिन के बजाय बुरा दिन आ रहा है. ये जिस तरीके से कर रहे आम जनता को लूट रहे, भांडवलदार को 8.5 लाख कोटी रुपया माफ कर दिए और हमारे खिस्सा से निकाल रहे. किससे? जो दिन रात मेहनत कर रहा उसका खिस्सा से पैसा निकाल रहे. ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी के खिलाफ हम सभी यूनियन के लोगों को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन दोनों का खिलाफ हम लड़ाई करने वाले हैं.